हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए आज मैं आपको एक अनजाने देश के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, जो इतना भी फेमस नहीं है, फिर भी उसको सभी लोग जानते हैं। दोस्तों वो देश को बोला जाता है द अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनका देश बोला जाता है। और वो देश को बोला जाता है द पिकॉक लैंड। हाँ दोस्तों, मैं आज बताने के लिए जा रहा हूँ यूरोप का ऐसा एक देश के बारे में जिसका नाम है नॉर्थ मैसिडोनिया। हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ नॉर्थ मैसिडोनिया के बारे में। दोस्तों नॉर्थ मैसिडोनिया के बारे में जानने से पहले हमको मेरा चैनल का नाम भी आपको बता दूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप, मैं आपको मेरा चैनल सावधान इंडिया प्रदीप में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज नॉर्थ मैसिडोनिया के बारे में हम जानने के लिए जा रहे हैं। तो नॉर्थ मैसिडोनिया में मैं आपको बोल रहा था कि वो द अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनका वो वही देश से बिलोंग करते हैं। आप लोगों को सभी लोग जो अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरा दुनिया को जीत गए थे वो वही देश से बिलोंग करते हैं। उनका स्टैचू अभी भी उधर चारों तरफ नॉर्थ मैसिडोनिया में लगा गया है और उनका स्टैचू के नीचे जो भी आता है अपना सर उधर नीचे झुका देता है। दोस्तों जो पिकॉक लैंड बोला जाता है नॉर्थ मैसिडोनिया को, नॉर्थ मैसिडोनिया में इतना सारा पिकॉक है कि उसको पिकॉक लैंड करके बोला जाता है। और आप बारिश का टाइम में आप उधर जाके पहुंच गए तो कमाल का जो नज़ारा है और पिकॉक का जो डांस है आप अच्छा सा देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये नॉर्थ मैसिडोनिया का कैपिटल सिटी क्या है। हाँ दोस्तों चलिए ये भी बता देता हूँ, नॉर्थ मैसिडोनिया का कैपिटल सिटी है स्कोपजे। और उसका जो नॉर्थ मैसिडोनिया है वो एक लॉक कंट्री है। लॉक कंट्री का मतलब ये है उसका चारों तरफ सभी देश घिरा हुआ है। एक साइड में ग्रीस है और एक साइड में नाइजीरिया है और एक साइड में जिम्बाब्वे है जो कि उसका चारों तरफ दूसरा देश में घिरा हुआ है। दोस्तों ये नॉर्थ मैसिडोनिया और ग्रीस के अंदर में कभी भी फाइट चलते रहता है। ऐसा क्यों मैं आपको अभी बताता हूँ। दोस्तों नॉर्थ मैसिडोनिया जो देश है ग्रीस में भी एक मैसिडोनिया बोल के स्टेट है, जिसके वजह से उन दोनों के अंदर में फाइट चलते रहता है। तो बाद में ये हुआ कि नॉर्थ मैसिडोनिया अपना नाम चेंज करके मैसिडोनिया से नॉर्थ मैसिडोनिया रख लिया और उनका अंदर में जो उनका झंडा है, जो उनका देश का झंडा है, वो दो बार चेंज हो चुका है। इसका मतलब ये है कि उनका जो ग्रीस का जो अपना झंडा है उसमें सूरज का जो एक प्रतीक था वो भी नॉर्थ मैसिडोनिया में उनका भी वही प्रतीक था। तो इसके लिए वो दोनों अपना झंडा को चेंज करने के अंदर में फाइट चलते रहता है। मैं सोच रहा हूँ थोड़े दिन में वो फाइट ख़त्म भी हो जाएगा। दोस्तों नॉर्थ मैसिडोनिया का जो मेन फूड है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्थ मैसिडोनिया का जो मेन फूड है वो होता है कैबेज, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी ये लोग खाने के लिए बहुत पसंद करते हैं और पत्ता गोभी आपको जो उनका मेन जो फूड है वो पत्ता गोभी है। दोस्तों मैं ये बता दूँ कि जो नॉर्थ मैसिडोनिया है उसमें जो उनका जो खेती होता है वो कौन सा खेती होता है? दोस्तों उनका जो मेन खेती है टोबाको से आता है और ये टोबाको को एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका। और उसका दूसरा जो खेती होता है वो होता है एप्पल, सेव। आपको पता रहेगा एप्पल का खेती होता है और उससे भी ये लोग बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। ये जो लोग देश का लोग है नॉर्थ मैसिडोनिया के लोग, ये लोग बहुत शांत स्वभाव के रहते हैं। और ये लोग जैसे कि आप उनको साथ फाइट करने के लगे तो वो लोग फाइट नहीं करेंगे, तो ऐसा टाइप का लोग है। और इनका जो जनसंख्या है, उनका जो पॉपुलेशन है, मैं आपको बता दूं दोस्तों इसका पॉपुलेशन है 20 लाख। अभी ये जो देश 20 लाख का जो पॉपुलेशन है इनका लैंग्वेज क्या बोलते हैं? हाँ दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनका जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज को बोला जाता है मैसिडोनियम। हाँ दोस्तों
ये जो लैंग्वेज वो नॉर्थ मैसिडोनिया में बोला जाता है और उसके साथ साथ में उसका साइड में जो कंट्रीज है वो कंट्री में भी बोला जाता है। दोस्तों अभी नॉर्थ मैसिडोनिया को हम कैसे जाने, तो उससे पहले हमको जो अलेक्जेंडर द ग्रेट उनके बारे में सभी को पता होगा, तो उससे आप अंदाज़ा लगा दिया होगा कि अलेक्जेंडर जिस मिट्टी से पैदा हुए हैं वो मिट्टी कैसा होगा और मैसिडोनिया नॉर्थ मैसिडोनिया के बारे में आपको कैसा आगे जाके जानकारी मिल सकता है। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप मेरे को मेरा यूट्यूब चैनल में ज़रूर बताइए। और ये नॉर्थ मैसिडोनिया इसके लिए भी फेमस है कि इधर लोग अपना पेरेंट्स को बहुत अपना करके हमारा देश की तरह बहुत अपनापन करके रखते हैं। जैसे कि हमारा देश में हमारा पेरेंट्स को हम बहुत इज्जत देते हैं, तो नॉर्थ मैसिडोनिया में अभी भी ऐसा बहुत सारा फैमिली देखने को मिलेगा जो कि उनका पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स और उनका बच्चे लोग एक साथ भी एक ही फैमिली में रहते हैं। तो दोस्तों इन लोगों से भी हम बहुत कुछ सीखना चाहिए। और इसमें जो नॉर्थ मैसिडोनिया है, नॉर्थ मैसिडोनिया का देखने के लिए बहुत सारा चीज़ है। नासा जो आपको पता रहेगा, नासा अभी भी वो नॉर्थ मैसिडोनिया में एक प्लेस है जिसको अभी भी वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसमें बहुत सारा चीज़ मिलने का उनका नासा को ये अंदर में सोचा गया है। दोस्तों आपको क्या लग रहा है नॉर्थ मैसिडोनिया के बारे में, और नॉर्थ मैसिडोनिया में ऐसा बहुत सारे लोग जन्मे थे जो कि अपना ज़िंदगी को लोगों के लिए कुर्बानी कर दिए, और ये लोग जो उनका जब स्वाधीन हुआ, उनका देश जब आज़ादी हुआ 1991 में, तो उस टाइम में एक भी लोग वो जो आज़ादी में किसी को भी कोई भी लोग नहीं मरा था, कोई डेड नहीं हुआ था। तो आपको ये पता चल गया होगा ये देश का लोग कितना शांति में अपना जीवन जीते हैं। और ये दोस्तों ये जो नॉर्थ मैसिडोनिया है, इन लोगों का सबसे पुराना प्रथा ये है कि मैं आपको एक बता दूं कि आपको हंसी आएगा कि इन लोगों का ये है कि जिसका शादी फिक्स हो जाता है वो शादी से पहले 7 दिन पहले घर से कोई निकलता ही नहीं, क्योंकि उनका ये मानना है कि शादी का 7 दिन पहले कोई घर से बाहर निकलता है तो वो अपना बीवी को सही तरीके से प्यार नहीं दे पाएगा। दोस्तों इधर जो फैमिली है अपना शादी के बाद जो अपना वाइफ और हस्बैंड वो एक ही जगह में रहते हैं और दोनों कोई दूसरा से जुदा नहीं होते। जैसे कि इधर आपको उधर ओल्ड जो होम्स, जैसे कि हम अपना जब ग्रैंड पेरेंट्स के लिए उनको रखने के लिए बनाया जाता है, उधर नहीं मिलेगा और आपको डाइवोर्स का केस भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको कैसे लगा मेरा ये वीडियो, आप मेरे को नॉर्थ मैसिडोनिया के बारे में तो मेरे को आप ज़रूर बताइए, और इसके ऊपर आपका कुछ मेरे को सजेशन देना है तो मेरे को आप ज़रूर सजेशन दे दें। तो दोस्तों मेरे तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट करने पहले मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए और आपका फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिए, और आप नया है तो मेरा वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट।